हरियाणा चुनाव में अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ आजकल तीन मुद्दे चर्चाओं में है। पहला किसान, दूसरा पहलवान और तीसरा जवान। हरियाणा की सत्ता में भाजपा एक दशक से है, जहां लोगों का सरकार के प्रति नाराजगी साफ दिख रही है। हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, जिसको लेकर हरियाणा के युवाओं में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। हरियाणा चुनाव में जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के भाषण और वादों की भरमार बढ़ती जा रही है। हरियाणा चुनाव में अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ आजकल तीन मुद्दे चर्चाओं में है। पहला किसान, दूसरा पहलवान और तीसरा जवान। जहां हरियाणा के किसान भाजपा से नाराज चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर किसान और पहलवान दोनों को साधने की कोशिश करती है। हरियाणा की सत्ता में भाजपा एक दशक से है, जहां लोगों का सरकार के प्रति नाराजगी साफ दिख रही है। कई मौके पर तो सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी युवाओं का विरोध झेलना पड़ा है। अगर रोजगार की बात की जाए तो हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, जिसको लेकर हरियाणा के युवाओं में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। अगर रोजगार की बात की जाए तो इस पूरे मामले में हरियाणा में हुड्डा सरकार का भी कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा। हुड्डा सरकार पर भी समय समय पर भ्रष्टाचार और पर्ची और खर्ची लेने के आरोप लगते रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा की जनता और युवा किस पर भरोसा करें? क्या वो भाजपा की थकी हुई नीति वाली सरकार की तरफ जाएं या कांग्रेस को अपना विकल्प मानकर उसको वोट करें? वैसे तो हरियाणा में इस बार 7 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें जेजेपी, चंद्रशेखर रावण की आसपा, बसपा, इनेलो, आप, कांग्रेस और भाजपा। लेकिन इस चुनाव में सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस की मानी जा रही है। इन्हीं सब दावों और वादों की पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता हरिओम वीर से रेवाड़ी की जनता के बीच में गए और टोली कि इस बार कौन सत्ता में आ रहा है और किसकी सरकार बनने वाली है। इस वक्त हम मौजूद हैं रेवाड़ी के ब्रास मार्केट में। यहाँ की जनता और स्थानीय लोग, कुछ आसपास के क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है रेवाड़ी विधानसभा का, हरियाणा विधानसभा 2024 में क्या कुछ होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता के सरताज बनेगा। आइए चर्चा करते हैं। भैया क्या नाम? चेतन नाम है जी। कहाँ के रहने वाले? जी मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है हरियाणा? जी इस बार तो माहौल परिवर्तन की ओर है कि जनता की डिमांड है। 10 सालों से जो सरकार को देख रही थी बीजेपी को, उसने सेंट्रल में सरकार होते हुए भी उतना हरियाणा में काम नहीं कर पाई, जो कि बहुमत से सरकार थी। फिर भी मतलब रेवाड़ी हो, गुड़गांव हो, नेशनल हाईवे की आप स्थिति देखो, गड्ढे हो रहे हैं। आप रोड की स्थिति देखो, गुड़गांव में इतना पानी भरा है, रेवाड़ी में भी अभी पानी भरा है, नेशनल हाईवे पूरा जाम रहा है। अभी पीछे कुछ दिन पहले आपने देखा हो, रेवाड़ी से लेके आप चले जाओ गुड़गांव तक, तो स्थिति बहुत ख़राब थी पिछले 10 सालों में। अब लोगों की डिमांड है या लोगों का इच्छा है कि अब परिवर्तन की हो रहो, और कांग्रेस आपके सरकार बनाने के लिए कोशिश पे है, और मेरे हिसाब से पूरी बहुमत से सरकार आ रही है सर। कांग्रेस बदलाव देख रहे हैं जी, बिल्कुल। बदलाव में तो विकल्प के तौर पे जो लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों को देख चुके हैं, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि विकल्प आम आदमी पार्टी भी हो सकती है? नहीं जी, विकल्प आम आदमी पार्टी तो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी के उतने नेता या उतने लोगों में अभी उतना ग्राउंड नहीं है कि आम आदमी की तरफ देखे, क्योंकि सरकारें दिल्ली में हमने देखी कि उतनी वहाँ पे भी विकास कार्य नहीं हुए हैं दिल्ली में आम आदमी के, तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है अभी फिलहाल लोगों के अंदर। हाँ, समय के साथ हो सकता है कुछ बदलाव। तो मॉडल बताते हैं कि दिल्ली में हमने बहुत विकास किया, अच्छा काम किया, मुफ्त पानी बिजली और मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य दिए जी, वो क्लिनिक बनाए जी, वो तो बात उनकी ठीक है, बट ये है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पर आज के टाइम पे यहाँ पे जो ग्राउंड है हरियाणा का, हरियाणा की जो राजनीति को क्षेत्रीय की तरफ चलती है, जातिवाद की तरफ चलती है, अहीर वर्सेस जाट की तरफ चलती है। दूसरी बात, यहाँ के मुद्दे और दिल्ली के मुद्दों में फ़र्क है। यहाँ के मुद्दे बेसिकली किसान के मुद्दे हैं, दिल्ली के मुद्दे शहरीकरण के मुद्दे हैं, तो वहाँ पर फ़र्क है मुद्दों में। पंजाब में क्यों लोगों ने चाहा कि आम आदमी? पंजाब में सर उनकी तरफ बदलाव था, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को तो वो पहले ही नकार चुके थे। कांग्रेस ने उन्होंने पिछले 10 साल से 15 साल से देख लिया था, उससे पहले जो उनके सीएम थे वो भी बीजेपी की तरफ रुख कर चुके थे, तो वहाँ पे उनको एक नई पार्टी का जो जनाधार लाना था वहाँ की जनता ने, तो उनके पास ऑप्शन एक आम आदमी पार्टी का था। तीसरी कोई क्षेत्रीय पार्टी वहाँ पर दिख नहीं रहा, अकाली दल भी वहाँ पर अब ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल, वहाँ पे कुछ नेता नहीं थे, तो उन्होंने देखा कि आपके आम आदमी को देख के भगवत मान जी को बनाया जाए, या वहाँ के जो लोकल एमएलए, उन्होंने टिकट भी लोकल आदमियों को दी है बिल्कुल, जो जो कभी एमएलए नहीं बने
कभी आज तक कोई सरपंच नहीं बना, वहाँ से उन्होंने एमएलए बनाए हैं। देखो अभी वहाँ पे भी हरियाणा में इस बार जैसे अभी किसान की बात कर रहे हैं आप, गुड़गांव की बात कर रहे हैं, तो गुड़गांव विधानसभा की क्या स्थिति देख रहे हैं जी? गुड़गांव टक्कर में और विधानसभा में लोकसभा है गुड़गांव, उसमें 4 विधानसभा है हमारी, तो उसमें लगभग लगभग ये है कि चारों सीट जो है कांग्रेस के जो नेता हैं जो वो पूर्व बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि युवा को टिकट दी है गुड़गांव के चारों विधानसभा में, तो युवा जब टिकट मिलती है तो सब लोग युवा चाहते हैं कि एक युवा नेता आए, वो इस क्षेत्र की समस्या सुने, युवा को पसंद कर। हाँ, जब वहाँ से बादशाहपुर से वर्धन यादव जी हैं, पटौदी से परलर चौधरी कुमारी जी हैं, और क्या कहते हैं अपने गुड़गांव से मुकेश शर्मा जी हैं, और अपने क्या कहते हैं सोना तावड़ू से क्या बोलते हैं ये तवर जी हैं अपने, तो ये विधानसभाओं में बीजेपी का रुख और शहरी है वहाँ पे, तो वो बीजेपी की तरफ देखते हैं, बीजेपी की हवा देख देख रहे हैं, बट पर जो ग्राउंड पे काम हुए हैं वो बीजेपी ने नहीं कराए हैं पिछले 10 सालों में, नाकाम मांगते हैं जो उनके जो अब उन्होंने टिकट दी है, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिया, नायब सिंह सैनी को मौका दिया है। अच्छा, नहीं नायब सिंह सैनी को मौका दिया जरूर है, लेकिन उसने भी मतलब अभी कुछ ही पिछले साल से ही मौका दिया है, लेकिन वो भी कर रहे हैं काम, पर उतना नहीं हो पा रहा है जितनी पिछले 4 सालों में खट्टर जी रहे, उन्होंने हरियाणा की दक्षिण हरियाणा की तरफ कोई विकास कार्य नहीं हुए, जो कि गुड़गांव के रोड स्ट्रक्चर देख लो, डेवलपमेंट सेक्टर, युवाओं आज बेरोजगार है जो सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ का हरियाणा का, कि युवा इतने बेरोजगार हैं कि नौकरी लगी नहीं पा रही है, अभी भी आप देखो भर्तियाँ रुकी पड़ी है जो सरकार नहीं करा पा रही है। कांग्रेस में एक बड़ा सवाल आता है, रोजगार की बात हो रही है तो बिना खर्चे पर्ची के नौकरियाँ नहीं लगी कांग्रेस में, क्या है कि कितना सच्चाई मानते हैं जी? सच्चाई तो ये है कि जी देखो सभी सरकारें अपनी अपनी बातें रखती हैं कि भाई हमने बिना जनता से जब बातचीत करते हैं, हम सरकार की नहीं करते, लोग कह रहे हैं कि बिना खर्चे पर्ची के कांग्रेस सरकार में, वो लोग तो पता नहीं किस पार्टी के हैं या किस लोग के हैं, लेकिन हमने देखा है हम भी युवा हैं, हमने भी कांग्रेस की सरकार देखी है 2009 से लेके देखिए 14 तक देखी है, तो उसमें भी काफ़ी युवा नौकरी लगे हैं पिछले हम 10 साल से ही हम देख रहे हैं, तो मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो लोगों की जो नौकरियाँ हैं दक्षिण हरियाणा को नौकरी की आवश्यकता है तो वो कम हो पाई है पिछले 10 सालों में जो एवरेज होनी थी, तो उसको अगर बीजेपी बढ़ाती है या आगे मतलब ये करती है कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को कर पाएगी जो पिछले 10 सालों में वो कर पाएगी। किसानों की स्थिति क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं किसानों के हित में जी? किसानों का मुद्दा ये है कि किसानों को जो MSP रेट है, जो MSP पे उनको गारंटी मिलनी चाहिए थी, हालांकि जो सेंट्रल ने अपना बिल वापस ले लिया था, बट क्या है अभी तक जो किसानों पे रोष है कि उनकी फसलें MSP पे खरीदी नहीं जा रही है, जो भी उनके मुद्दे हैं तो वो मुद्दे उनके अभी भी अटल है, जो कि वो अभी भी देखो आप बढ़ रहे हैं हरियाणा की तरफ कि हम आंदोलन जो किसान आंदोलन सही मानते हैं जी, कुछ हद तक तो देखो सही है, पर चीज़ों जिसके साथ गलत हुआ, जैसे मान लो मेरा पर्सनल मुद्दा ये मानना है कि जो रोड पे आके मतलब एक ऐसा लाइन होनी चाहिए कि मैं कोई इमरजेंसी आदमी है या किसी को इमरजेंसी, उनको निकलने दिया जाए, प्रॉपर रोड बंद नहीं होनी चाहिए, हुड़दंग नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करे, शांतिपूर्वक अपनी डिमांड को रखे सरकार के साथ या कोई भी सरकार के साथ, पर ऐसे नहीं कि उसको स्थिति को ख़राब किया जाए या लोगों की प्रॉपर्टी को तोड़ा जाए या लोगों को परेशान किया जाए, किसी की कुछ किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक किसान आंदोलन हो और उनकी डिमांडें पूरी हो। मेरा देख रहे हैं हरियाणा में किसकी सरकार हो जी? हरियाणा में तो देखो अभी कांग्रेस का मैं बता रहा हूँ आपको कि जनता की या लोगों की डिमांड है, बदलाव देख रहे हैं, पर देखो सरकार पूर्ण बहुमत से बन पाएगी या वही गठबंधन का किसी का सहयोग लेना पड़ेगा? नहीं, कांग्रेस की तो सर पूरी फुल बहुमत से सरकार आ रही है सर। दादा यहाँ है, इनसे बातचीत करेंगे, क्या माहौल है और क्या लग रहा है, क्या होने वाला है विधानसभा के चुनावी माहौल है और कुछ तो बताएंगे? चलिए यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है रेवाड़ी का? नहीं बात करेंगे, यहीं के रहने वाले हैं आप? कहाँ के? कौसली से। कौसली के विधायक को यहाँ टिकट दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे?
भाई अब तो ऊपर जो उनका है बीजेपी वाले देने वाले वो बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे। यहाँ से मिलना चाहिए था या कौंसलिंग से फिर मौका? कौंसलिंग से ही मिलना चाहिए था, वहीं से मिलना। अच्छा काम किया, काम तो अच्छा तो नहीं करा, पर वहाँ से ही, वहाँ के लोकल रहने वाले हैं वो, तो वहीं से मिलनी चाहिए थी, वहीं से मिलनी चाहिए थी। क्या यहाँ अच्छा काम कर पाएंगे अगर मौका मिला तो? वो कर देंगे, हो सकता है कर भी दें। कौंसली विधानसभा में क्या समीकरण चल रहा है, कौन आगे है, कौन टक्कर में है? टक्कर में है दोनों भाई, अनिल और जगदीश, अनिल और जगदीश दोनों टक्कर में। क्या मुद्दे हैं वहाँ के स्थानीय? मुद्दे तो वो कांग्रेस बता रहे हैं कि कौसली में IMT बनाएंगे वो, अब देखो बनाते हैं नहीं बनाते हैं, बोल तो रहे हैं। पेंशन की बोल रहे हैं 6,000 पेंशन करेंगे कांग्रेस के, तो यही है उनका जो मैनिफेस्टो में दे रखे हैं। हरियाणा में किसकी सरकार बनती है? हरियाणा में भाई कांग्रेस की लग रही है, कांग्रेस की लग रही है। चलिए ठीक है, हमने बातचीत की, जनता के मन को टटोला, जनता के मन में क्या है, तमाम चर्चाएं। इस वक्त हम मौजूद है गांव गंगाईचा अहिर में, और ये गांव रेवाड़ी विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहां की जनता जनार्दन क्या मूड बनाकर बैठी है, जनता के मन में क्या है, तमाम वो सवाल, अनछुए सवाल जिनको हम जानेंगे और जनता से रूबरू होकर तमाम सवालों के पर्दा उठाएंगे। यहाँ पर स्थानीय निवासी, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सत्ता के संग्राम में, इस चुनावी दंगल में क्या होने वाला, आइए चर्चा करते हैं चुनावी। क्या नाम है भैया? ऋषिपाल जी। क्या लग रहा है इस बार रेवाड़ी विधानसभा में क्या होने वाला है? बीजेपी आएगी जी रेवाड़ी से, बीजेपी आ रही है। बीजेपी को क्यों देख रहे हैं? बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देती है, भ्रष्टाचार नहीं है, बढ़िया लाइट आ रही है, रोड बढ़िया है, व्यवस्था बढ़िया है बीजेपी सरकार में, भ्रष्टाचार नहीं है। पहले कांग्रेस में क्या होता था, जिसकी पहुंच है पैसे से नौकरी लगती थी, अब गरीब के बच्चे लग रहे हैं, गांव से मेरे से ही 10-12 बच्चे लगे हैं, कोई पैसा नहीं। रोजगार की अच्छी व्यवस्थाएं देखी, अच्छी योजनाएं देखी, अच्छी योजना। अन्य सरकार जैसे कांग्रेस रही उसको लेकर क्या कहेंगे कांग्रेस? राशन ना मिले तो गरीबा ने खा जाए था डिपो वाला, मिल रहा है अब तो रेड़ो फेरे राशन आओ भाई ले जाओ ले जाओ, इतनी बढ़िया व्यवस्था। लोग कह रहे हैं कि भाजपा का 10 साल का शासन नहीं नहीं बहुत बढ़िया, परेशान हुए ना? ना हम तो कोई परेशान ना है, मजदूरी कर रहा था जब भी मजदूरी कर रहा, कोई दिक्कत ना है। कई लोग कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, भाजपा देख ली, कांग्रेस देख ली, अब अन्य पार्टी की तरफ जाएंगे। हमारी तरफ से तो है नहीं जी, बाकी जिसके मन में है वो। क्या क्या कामकाज अच्छे लगे सरकार, भाजपा की सरकार में? भ्रष्टाचार नहीं है, बगैर खर्ची पर्ची के बच्चे, खर्ची पर्ची के अलावा बताइए, रोड बढ़िया है, 24 घंटे लाइट आ गई। हम कई गांवों में भ्रमण किया, लोगों से मिले, कहीं जल भराव की समस्या है, कहीं स्वच्छता की समस्या है, कहीं ना कहीं अलग अलग समस्या है, आज भी निकल के आ रही है, स्कूल आज भी बंद है कहीं। जल भराव तो ऐसा है जी, गाँव में सब ने अपने मकान ऊंचे उठा दिए, जिस तरफ पानी जाता था निकासी भी तो होनी चाहिए। निकासी जब पहाड़ पे थोड़ी चढ़ेगा पानी तो झील में जाएगा, तो निकासी सार्वजनिक स्थलों पे कौन करेगा, आम लोग तो नहीं करेंगे, पंचायत कर रहे हैं, नाला दब रहे हैं, नालियां जा रही है, कौन करेगा? आपको क्या लगता है? हमारे गांव में कोई जल भराव नहीं है, कहाँ है जल भराव, आप देखो नहीं है। चलिए वो लोगों से बातचीत करें, दादा क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है? तो कांग्रेस का हूँ भाई। तो आप कांग्रेस के, कांग्रेस का माहौल देख रहे हैं? कांग्रेस बढ़िया, ये कह रहे हैं कि जल भराव नहीं है, कोई समस्या नहीं है, अच्छा शासन रहा, पर मैं पोर्ट को खोल दिया, पॉलिटेक्निकल कौन या पॉलिटिकल नहीं, ये कह रहे भाजपा का शासन अच्छा रहा, भाजपा का सही रहा, मतलब नहीं क्या कहेंगे उसको लेकर? हम कहेंगे भाई ज्यादा काम कांग्रेस ने किया है, ज्यादा कांग्रेस ने किया है, तो क्या बदलाव देख रहे हैं फिर? हाँ कांग्रेस आ रही है, हाँ कांग्रेस आ रही है। क्यों देखते हैं कांग्रेस को भाई? उनको आगे CM नहीं को बनेगा ना, CM उनका बन रहा है, बिना खर्चे पर्चे के बात आती है कि कांग्रेस में लोगों को अब नौकरी नहीं मिली, युवाओं भटक रहे थे, अब भ्रष्टाचार नहीं करेंगे ये। कौन नहीं करेगा? कांग्रेस ही पहले किया है, हाँ। मानते हैं पहले भ्रष्टाचार हुआ, हाँ, अब नहीं करेंगे, सुधर गए, अब सुधर गए, ये 10 साल से सत्ता का खामियाजा भुगत रहे हैं, अब सुधर गए, अब सुधरेगा, घर घर डोल रहा है, घर घर डोल रहे हैं, और क्या सुधार हुआ, क्या मानते हैं? और भाई सगड़ो सुधार हो रहा, बाल खाने स्कूल खातर साइकिल दे रहा है जी, साइकिल 2 किलोमीटर जाते पैदल, साइकिल दे रहे हैं, हाँ बस सुविधा मिल गई। प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी के किसानों की आय दोगुनी हो गई, हुई है? कित हुई आय दोगुनी, ओला पड़ेगा भारत, समर्थन मूल्य मिल रहा है, दिया 2,000 रुपया दिया है, तो मोदी अच्छा काम कर रहे हैं फिर? वैसे कुल मिला के करे ठीक है, पर टाइम पर ना करे, समय पे नहीं करते, कांग्रेस अच्छा करती,
कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस से भी उब गए, भाजपा का शासन देख लिया, कोई नया होना चाहिए। इस बार केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं हरियाणा में अपनी सत्ता, हरियाणा का लड़का हूँ, आज ही आ रही पेपर में जी, और मैं जो कोई भी सत्ता हो मैं उसके साथ रहूँगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उसके साथ रहूँगा, विरोध नहीं करूँगा। विरोध नहीं करेंगे? हाँ, केजरीवाल हरियाणा को है वो, बिहार क्षेत्र का, आज का पेपर में है बात, कोई भी सत्ता हो। हरियाणा में सरकार आ सकती है, कहीं ना कहीं सीटें निकालेगी आम आदमी पार्टी? बिल्कुल हरियाणा में नहीं आओगी। अभी भगवंत मान आए पंजाब के मुख्यमंत्री, दो दिन पहले, कोई असर ना है, असर नहीं है। चलिए वो लोगों से बातचीत करेंगे। भैया आप क्या कहेंगे? बीजेपी क्यों देखते हैं? बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल रही है, दक्षिण हरियाणा में नौकरी मिल रही है सबसे ज्यादा, दक्षिण हरियाणा में पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिल रही है, सड़के मैंने खुद देखा, मैं खुद गैस का सिलेंडर लेके गया हूँ, आज मेरे घर देख के जाते सिलेंडर। हाँ जी, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ये मैं लाइन में लगता था, खाद मेरे घर देख के जा रहे हैं, खाद की लाइन मैंने देखी खुद, दो दो घंटा तीन तीन घंटा लाइन में लगा हूँ मैं खुद। बीजेपी के शासन में, कांग्रेस के शासन में बीजेपी में तो घर देख के जा रहे हैं खाद। कई लोग कह रहे हैं बीजेपी के शासन में यूरिया नहीं मिलता है, कोई डीएपी नहीं मिलता है। कौन कह रहा है कि नहीं मिलता है? मेरे घर लगती है, मेरे घर के पास खाद है। खाद मिल रहा है? बीजेपी ने तीन चीज हरियाणा में बिल्कुल बर्बाद कर दी, जवान, किसान और पहलवान, तीनों खत्म कर दिया। ये सरपंच साहब खड़े हो जो बीजेपी के कह रहे हैं ना, पंचायतों का ताना बाना भ्रष्ट कर कति नष्ट कर दियो। सरपंच का कोई काम नहीं छोड़ो, सरपंच एक रुपया भी अपना बेचारो खुद काम में काम नहीं करा सके। सरपंच कांग्रेस शासन में 20 लाख था, नायब सैनी ने 21 लाख किया। सरपंच दो दिन पहले खुद परेशान, दो दिन पहले सरपंच खुद परेशान था। देखो जी, बात ऐसी है कि हरियाणा में सीधी सी बात है, इस बार बदलाव निश्चित है, क्योंकि जो 10 साल में जो इन्होंने वादा किया था ना भाजपा ने, वो अपने एक भी प्रदेश सरकार, जो कुछ नीतियां लोगों को अच्छी लग रही है थोड़ी बहुत, वो केंद्र सरकार की नीतियां, बदलाव में तो आम आदमी पार्टी बदलाव रहे हैं विकल्प के, लेकिन विकल्प के तौर पर हुड्डा साहब मजबूत है और हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे इस बार, और बहुत अच्छी सरकार चलेगी, किसानों को फायदा, जवानों को फायदा, ट्रैक्टर पे जीएसटी लगा दी इनने, एग्रीकल्चर का सामान पे जीएसटी लगा दी, सब कहीं पे जीएसटी लगा से बात हो रही थी कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार बहुत था, अब सुधर गए। उसका खामियाजा भुगता ना, सत्ता से बाहर हो गए और हर चीज का परिणाम मिलता है आदमी को। अब भाजपा ने जो कराया, जो पंचायतों के साथ भाजपा शासनकाल में, भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार कम हुआ ये मानते हैं? भाजपा ने नौकरियां ही नहीं दी, भ्रष्टाचार तो सब करेगी। कौशल रोजगार निगम एक भी पक्की नौकरी नहीं दी, एक भी पक्की नौकरी नहीं दी। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार था, बीजेपी बिल्कुल नहीं है, पक्की नौकरी ना दी, खत्म है ही नहीं बोल रहे। अरे अग्निवीर, हरियाणा सबसे ज्यादा जवान देता था, खत्म कर दिया। हरियाणा सबसे ज्यादा जवान देता था भारतीय सेना को, जवानों को बर्बाद कर दिया। 5 साल बाद वो क्या करेंगे? हथियार सिखा के उनको वापस भेज रहे, हथियार चलाओगे? आज में हम विदेश से मंगाते थे हथियार, आज यही बन रहे हैं। मोदी जी ने सरकार किया ये, सिलेंडर 450 से 900, पेट्रोल 5300। चलिए ये बताइए कि स्थानीय निवासी रेवाड़ी विधानसभा के स्थानीय निब्बे क्या रहने वाले? रेवाड़ी का स्थानीय मुद्दा, मैं ये नहीं कहता मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, लेकिन रेवाड़ी में ये भी है, मैं ये नहीं भाई पेवर में तो कांग्रेस की बड़ाई, रेवाड़ी में ये भी एक जो विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं जी। वो पूर्व विधायक के पुत्र हैं और 6 योजना वो रहे हैं जी। कमियां उनकी भी है, उसी वजह से रेवाड़ी में मुकाबला है। लंबे समय से एक ही व्यक्ति को बार बार मौका मिलना सही है? बदलाव नहीं होना चाहिए? नया अनुभव, नया तजुर्बा होना चाहिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं हरियाणा में बदलाव है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार बनेगी और बहुत अच्छा काम। नायब सैनी के नेतृत्व तो बहुत अच्छी सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम कस दी गई है, पहले कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, अब नहीं है। खाद का कट्टा 250 के जगह 1100-1250 का मिल रहा है, 500 का बाजरा बिकता था, 2350 बाजरा बिकता है। बाजरा पहले भी महंगा, बढ़िया भी क्यों था, और ये खाद का कट्टा महंगा बिक रहा है, सब कुछ ये जमीन नहीं बताई। नौकरी दी थी हरियाणा में बीजेपी ने, कितनी दी है? कांग्रेस के टाइम में 46 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली हरियाणा में, बीजेपी के 10 साल में तो 16 खिलाड़ियों को नौकरी मिली है। इसको पता तो है नहीं, बोलता खिलाड़ी खत्म कर दिए। आप आंकड़े देखना, जितनी पक्की सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार में हुड्डा सरकार मिली हो किसी को नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस पैसा तो मिली है भाई। आपका पहले तो धन्यवाद,
सबसे पहले तो जो है सर कांग्रेस का राज में भ्रष्टाचार था और नौकरी मिले थी ना तो पैसा की मिले थी। मेरा तो कोई बीजेपी का भी लगे ना और कांग्रेस का भी लगे ना। सच्चाई यो है बीजेपी बिना पैसे नौकरी देती है, जो योग्य है बालक उसको नौकरी मिलती है। बीजेपी के घर का नौकरी दे योग्य को मौका योग्य को मिलती है, योग्य को मिलती है। कांग्रेस का योग्य कांग्रेस का राज में योग्य को नौकरी नहीं मिली। आप इनसे ये पूछो, देखो ये मुद्दा जो नौकरी हो रहा है ना और भी बहुत कुछ है। दक्षिणी हरियाणा कह रहे हैं, दक्षिण सुनो ये दक्षिणी हरियाणा कहते हैं, किसने दी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में किसने दी यूनिवर्सिटी? पॉलिटेक्निक सब ज्यादा किसने दिया? पॉलिटेक्निक दिया, आईटीआई दी, यूनिवर्सिटी दी, कॉलेज दिया, कांग्रेस नहीं दिया जी। कितने एम्स बनाए बीजेपी? एम्स बना दिए, आईटीआई दे दिए। एम्स तो दक्षिण हरियाणा में माजरा में रेत है, अभी रेत है, 10 साल से बना रहा है, 10 साल से। किराया भाड़ा मैं दूंगा, गाड़ी मेरी खड़ी है। कांग्रेस का राज में कितना एम्स था मैं तो पूछ लो। कांग्रेस के इनका सवाल है, कांग्रेस में रेल बेच दी, एम्स कितने थे इनका सवाल है दादा। खरीदी किसने? प्राइवेटीकरण कर दिया जी, प्राइवेटीकरण सब कहेंगे। निजीकरण की बात हो रही है, निजीकरण कर दिया सब कहेंगे। निजीकरण पे किसी चीज कोई निजीकरण नहीं किया, गलत है। सरपंच निजीकरण की बात कर रहे हैं, सरकारी बुनवाए तो कोई काम ना करे तो निजीकरण में बेनिफिट आओ तो वो जो काम तो हो रहा है जी। रेल तो रुकी चला है, काम हो रहा है। निजीकरण के बाद भी जाएगा, खट्टर जाएगा। रेल ना रुकी ना, खट्टर जाएगा, खड्डा था। दादा क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? भाई युवा नेता के साथ हम तो बदलाव जरूरी है। प्रशांत सन्नी यादव, बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी बदलाव। भाजपा कांग्रेस की यहाँ भरमार, परिवारवाद खत्म करना, हमने परिवारवाद बिल्कुल खत्म करना है भैया। परिवारवाद को लेकर आई बात, परिवारवाद खत्म होना चाहिए लगातार लंबे समय से। बीजेपी ने परिवारवाद नहीं किया, कांग्रेस की यहाँ स्थानीय बात हो रही, रेवाड़ी बीजेपी की भी बात हो रही है। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी पुत्री को दिला दिया, लगातार नहीं दिया जी। आरती राव लड़ रही, जहाँ ससुराल है वहाँ जाके लड़ो। क्या कहेंगे? देखो एक ही परिवार का अच्छा था कांग्रेस का, बीजेपी अलग अलग आदमी को टिकट देती है, योग्यता के आधार पर देती है। बीजेपी क्यों देती है जी? राव नरबीर लड़ रहा, उसका फादर राव मोहर सिंह रहे हो, वे को दादो वो रहे हो, क्या नाम रहे अब ये, उसके 3 पीढ़ियों से राजनीति कर रहा है भाजपा में। बीजेपी क्यों नहीं दे रही? बीजेपी परिवारवाद को क्यों नहीं दे रही? बीजेपी परिवारवादी नहीं है, बीजेपी ईमानदार से। क्या कहेंगे भाई साहब? बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। क्यों देख रहे हैं बीजेपी को? बीजेपी जैसी सरकार नहीं है, जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है जी नौकरियों का। चलिए और दादा के पास चलते हैं जी। दादा क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? यही कहेगा भाई, मैं क्या कहूंगा, आप क्या कहेंगे? बीजेपी जीतेगी जी, यहाँ से जीत रही है। चलिए दादा। हाँ जी, मैं बोलता हूँ बीजेपी के लिए। मेरे पिताजी और कांग्रेस ही थे पहले जी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ जी। अब मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे आयुष्मान कार्ड बन रहा है, मेरी घरवाली को छल्ला डला था, बीजेपी ने डलवाया। बीजेपी अच्छा शासन है, अच्छा शासन है, बढ़िया। क्या लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा या भाजपा की सरकार बनेगी? मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब मेरे अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो मेरी घरवाली नहीं होती, केवल मेरे को 3 लाख रुपए देता मजदूर। क्या कहेंगे? जो ये लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया, कांग्रेस ने बंदरबांट कर दी, वही काम बीजेपी कर रही है। आयुष्मान कार्ड की योजना, ऐसी कोई योजना? आयुष्मान कार्ड की योजना सब जगह कांग्रेस सरकारों ने भी दिया है। क्या कहेंगे? कांग्रेस मेरे को नहीं मिला, मेरे पिताजी और कांग्रेस की जहाँ सरकारें भर दिया है। आयुष्मान कांग्रेस में भी था, क्या कहेंगे? नहीं, राजस्थान की चिरंजीवी योजना देश का मॉडल है, जो अब हो रहा है ना अब वो अच्छा है आयुष्मान, जबकि जब जाति के साथ ऑपरेशन हो बिना पैसे। भाई साहब, राजस्थान की जो चिरंजीवी योजना है ना, उसको देख के मोदी लाया है। मेरे पास 11,000 रुपए जमा कराए थे, मैंने मुश्किल से लेके दिए, मेरा 2 दिन बाद पैसे वापसी मिल गए, मेरा कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं लगा, बीमारी का समाधान हो। भाई जी आपको पता है देश की आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। दादा क्या कहेंगे, क्या माहौल? माहौल तो बीजेपी का है, बीजेपी का है। क्या देख रहे हैं बीजेपी में, क्यों समाधान? हर तरह की सुविधा है, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कोई सतीश यादव की बात कर रहा है, कोई सनी की बात कर रहा है, आप अपना माइंड है, लेकिन मेरे अपना माइंड जो है कि बीजेपी ने समस्त आदमी है, घर घर में सरकार किसकी बनती देख रहे हैं? सरकार बीजेपी की। चलिए यहाँ पर हमने आम लोगों से, आम शख्सियतों से बात की, कोई कांग्रेस का पक्ष रख रहा था, कोई बीजेपी का, कोई अन्य दलों का, तमाम चर्चाएं, जनता से सीधे संवाद, सीधे रूबरू। रेवाड़ी की जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या जलभराव है, जिसको लेकर लोगों में सरकार के प्रति रोष देखने को मिला है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने अच्छा काम किया, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये सरकार पिछले 10 सालों में कुछ नहीं कर रही, बस लोगों के साथ वादे और झूठी कहानियां सुनाकर किसान जवान पहलवानों को बर्बाद कर रही है।
आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे किसी नए प्रकरण के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वाल इंडिया।